हाय गाइस, आपका स्वागत है जेस प्रो गेमिंग में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। उससे पहले आपका एक और बार स्वागत है हमारे गेमिंग चैनल में, और आपका स्वागत है वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। सो गाइस, अगर उससे पहले आप किस पे नया हो, वीडियो पे नया हो या फिर चैनल पे नया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाकर लाइक शेयर करें, और डिसलाइक आप करो ना करो, क्योंकि अब यूट्यूब ने एक नया वो लाया है, उससे पता ही नहीं चलता है कि डिसलाइक कितना आ रहे हैं। वो कुछ फ़ायदा ही नहीं है डिसलाइक करने का ना करने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अपडेट आया है यूट्यूब का, जिससे डिसलाइक पता नहीं चला है, गलत है। हमें डिसलाइक वाला दोबारा से अपडेट चाहिए, कि हमें डिसलाइक का पता चले कि यार डिसलाइक कितने आ रहे हैं कितने नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है, हम उसके बारे में बताते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है गिल्ड वॉर के ऊपर। यस गाइस, बहुत सों के मन में होगा कि वो बहुत सों ने गिल्ड में एंट्री ली होगी, अगर उन पर गिल्ड है तो, या फिर गिल्ड में वो पार्ट है तो किसी के उसमें, तो उन्होंने सोचा होगा कि क्या गिल्ड में हमेशा एक जैसे पोकेमोन आते हैं। जैसे कि बहुत देर से देख रहे हैं कि ईवी के विकसित रूप बटरफ्री और एक आज सुप्रीम पोकेमोन बस यही आ जा रहे हैं हर बार, कोई दूसरा पोकेमोन आ नहीं रहा है। तो आज भी हम वही चेक करेंगे कि क्या ऐसा ही होता है। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है सर्वर डाउनलोड फाउंड की, जो मतलब कि बहुत से लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका गेम ही ओपन नहीं हो रहा है। गाइस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के अब डायरेक्ट एक ही वीडियो बनाऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर तब जाके आपको पूरी तरीके से जानकारी दे दूंगा, कि किसी को फिर दिक्कत ना होए। तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या एक ही जैसे पोकेमोन आते हैं या नहीं। तो हमारा पहला पोकेमोन आ चुका है, और देख सकते हैं आप हमारा पहला पोकेमोन भी क्या है, वेपोरियन। तो लोगों के मुताबिक या फिर हमारे मुताबिक, अभी तक हमने 2-3 बार वर्ल्ड पे एंट्री करी है, एक जैसा पोकेमोन आया है, लेकिन सेकंड पोकेमोन को देखकर ही पता चलेगा कि क्या होएगा। तो सेकंड पोकेमोन सेकंड ग्रास, ये हमने रूल बना रखा है, लेकिन हर बार रूल काम नहीं करता है, तो सेकेंड ग्रास नहीं, नेक्स्ट ग्रास में जाना पड़ जाता है। तो क्या हमें नेक्स्ट ग्रास में जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा? हाँ, जाना पड़ेगा। मुझे अफसोस हो रहा है इस ग्रास को छोड़ते हुए, लेकिन इट्स ओके, हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ी बन जाएगी अगर इसी ग्रास में ट्राई करते रहे तो। हमें बिना फालतू की चीज़ नहीं करनी है, हमें बस वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आज की इन्फॉर्मेशन हमारी यही है कि क्या एक जैसे ही पोकेमोन आते हैं गिल्ड वॉर में, या फिर अलग अलग पोकेमोन्स आते हैं। लगता है ये ग्रास भी सारे पोकेमोन हमसे नाराज़ हैं, इस वजह से कोई भी पोकेमोन नहीं आ रहा है। नहीं, एक पोकेमोन नहीं है। और देख सकते हैं डारूमाका का विकसित रूप डायरमेनिटार नाम भी नहीं लिया जा रहा सही से इसका, डायरेक्ट जो भी हो डायरमेनिटार हार चुका है। तो गाइज, इसी से हमें पता चल गया कि नए पोकेमोन भी आते हैं, लेकिन नहीं, हम थर्ड बार भी ट्राई करेंगे क्या रियल में, और थर्ड बार तो बहुत जल्दी हुआ, और देख सकते हैं विनसोर। सो गाइज, इससे हमारा बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हर बार गिल्ड वॉर एंट्री में अलग अलग पोकेमोन आते हैं। बस ये है कि इसमें वो जो हमारे स्टार्टिंग लीग है, जो जिसे पोकेमोन लीग के नाम से जाना जाता है, या फिर सीजन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, उसके पोकेमोन सबसे ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, और ईवी के विकसित रूप सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। जोल्टियन, वेपोरियन और भी बहुत तरह के होते हैं, उन सबको आप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आप सबको। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। ले क्या आपको पता है, हम वीडियो कभी भी हमने इतनी छोटी थोड़ी बनाई है। हाँ गाइज, हम आपको आगे भी कुछ बात बताएंगे, और आपको उस बात के थ्रू कमेंट करना है कि क्या हम वो सही चीज़ है हमें करना चाहिए या नहीं हो, और वो हमारी गिल्ड से रिलेटेड कोई सी बात होगी तो आप कमेंट करने के लिए तैयार हैं उस बात के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट किसके ऊपर, बात के ऊपर, या फिर नेक्स्ट टॉपिक तो है ही नहीं अभी, बात के ऊपर। सो हमने सोचा है गाइज, हम आपको पता क्या दिखाने वाले हैं, हम आपको गिल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं, और गिल्ड के साथ साथ हम आपको एक चीज़ के लिए, मतलब बार बार ये पता नहीं क्या लग जाता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, गिल्ड के वो गिल्ड में हम आपको बताने वाले हैं कि हम सोच रहे हैं कि अपना गिल्ड किसी को हैंड ओवर कर दें। सो गाइज, बिकी जो कि हमारे एक व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं नहीं है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन व्यूवर हैं वो हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम गिल्ड से एग्जिट हो जाए, न्यू गिल्ड बनता है नहीं बनता है ये इन्फॉर्मेशन लाएं, तो क्या हम बिकी जो कि हमारे एक व्यूवर हैं, उन्हें क्या हम अपना गिल्ड हैंडओवर कर दें या फिर नहीं।
आप कमेंट करके बताइए कि क्या हमें गिल्ड से वो इस्तीफ़ा मतलब कि वो रेजिग्नेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। सो गाइस बस इतनी ही बात बतानी थी। ये हमारा गिल्ड है, आप देख सकते हो जेएस प्रो गेमिंग का, हम गिल्ड का, लेकिन हम गिल्ड हैंड ओवर करेंगे तो गिल्ड का नाम चेंज करके तब जाके हम हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि अगर नया गिल्ड भी बनाएंगे ना हम, तो हम नया गिल्ड भी वो जेएस प्रो गेमिंग के नाम से ही बनाएंगे। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको कमेंट ज़रूर करना है, बताना है हम गिल्ड का क्या करें, हैंड ओवर गिल्ड को करें या फिर